माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो मेरे गार्डन के कुछ समर प्लांट्स हैं जिसको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे कई लोगों ने शेयर कमेंट किया हुआ है कि आप अपने समर प्लांट्स को दिखाइए। मैंने कई बार आप लोगों से लिस्ट शेयर की हुई है कि कौन कौन से समर प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं इस समय। तो बिल्कुल कई बार कमेंट आया है कि आप अपने गार्डन में जो आपने समर प्लांट्स लगाए हैं उनको शेयर करिए। तो चलिए, आज मैं आपसे अपने समर गार्डन में जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं उनको आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ पेरेनियल प्लांट्स हैं, कुछ मैंने सीडलिंग्स से ग्रो किए हैं, वो सारे ही मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ ही में मेरे जो सीडलिंग्स रेडी हो गए हैं उनको मैं ट्रांसफ़र कर रही थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया कि आपको अपनी सीडलिंग्स जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कैसे करना है, वो भी मैं इसी में आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, आपको आज दो टॉपिक देखने को मिलेगा, लाइट भी चली गई, कि कौन कौन से आप समर प्लांट्स लगा सकते हैं, साथ ही में जब आप सीडलिंग्स ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ अपने समर गार्डन को आपसे मिलाना, अपने समर प्लांट को। तो सबसे पहले जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ वो है हमारा मोगरा का। देखिए कितना खूबसूरत ये ब्लूम करता है और बहुत ही अमेजिंग इसकी स्मेल भी होती है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। और अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल इससे कैसे ज़्यादा फूल पाएँ, इस पर भी मेरा वीडियो है। जब इसमें बर्ड्स आने लगें तो कौन सा फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर है, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा मोगरा हो गया। और सेकंड जो प्लांट है वो है ये, देखिए हमारा प्राइड ऑफ इंडिया। ये मेरा प्राइड ऑफ इंडिया है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है पर बर्ड्स जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल प्राइड ऑफ इंडिया को भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। और जस्ट इसी के बगल में मेरा सनाए का प्लांट है, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग ये भी दे रहा है। इस पर भी मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके केयर टिप्स वो सारी मैंने शेयर की हुई हैं। और अगर आपके गार्डन में ये नहीं है तो बिल्कुल आप इसे भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो है ये हमारा नाग चंपा का। अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन जल्दी इसमें भी बहुत सारे फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, तो इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। साथ ही में आप ये देख रहे हैं हमारा क्लेमेटिक्स का वाइन है और लहसुनिया की बेल है, ये दोनों भी बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग करते हैं समर में। और बिल्कुल धीरे धीरे ये भी फ्लावरिंग पे आने वाले हैं, तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। जस्ट इसी के बगल में आपको कृष्ण कमल का फ्लावर भी खिला हुआ दिख जाएगा दूर से ही, बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का फ्लावर है ये देखिए। तो बिल्कुल आप कृष्ण कमल की बेल को भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वाइन है, बहुत सारे कलर में आता है। इस पर भी मेरा वीडियो है, आप बिल्कुल वो भी देख सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल हमारा सदाबहार, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देता है, इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ये भी फ्लावर प्लांट है और इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, वो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हाइब्रिड वैरायटी, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो बिल्कुल आप सदाबहार को भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। बाद फ्रेंड्स, जो समर प्लांट है मेरे पास वो है ये देखिए, चांदनी डबल पेटल वाला, और बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है, बहुत ही नंबर्स ऑफ फ्लावर्स हैं इस समय, और साथ ही में बर्ड्स भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये आपके गार्डन को बनाएगा इस समर में। और मेरे पास इसके दो प्लांट हैं और दोनों ही प्लांट में पूरी बंचेस ऑफ फ्लावरिंग है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं इसमें, बहुत सारे बंचेस में फ्लावर आए हुए हैं। और बिल्कुल लिस्ट में जो मैं सेकंड नंबर आपको दूसरा प्लांट बता रही हूँ वो है कनेर का, तो देखिए इसमें भी बहुत ही बंचेस में आते हैं फ्लावर, और बिल्कुल आप इसे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके बाद जो समर प्लांट है मेरे पास ये देखिए, ये सिंगल पेटल वाली चांदनी है और ये भी बहुत ही खूबसूरती से इस समय ब्लूम कर रहा है, बहुत ही। बात फ्रेंड्स, आप ये बुगेनवेलिया भी इस समर अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है समर का। साथ ही में आप ये देखिए, ये है हमारा यूफोरबिया मिली, इसे भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं इस समर।
और देखिए ये हमारे क्लाइमेक्टिक्स के फ्लावर हैं जो बहुत ही खूबसूरती से अब ब्लूम करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं, इसमें नंबर्स ऑफ बर्ड्स हैं। साथ ही में नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये देखिए सोन चंपा, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और पूरे समर भर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स देखते हैं। देखिए कितने सारे बर्ड्स इसमें बने हुए हैं और बिल्कुल मैंने कई सारे फ्लावर्स इसमें से ले भी लिए थे पूजा के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत हमारा समर फ्लावर है ये और बहुत ही अमेजिंग सी इसमें से स्मेल भी आती है। इसके बाद हमारे ये देखिए सनफ्लावर हैं, ये स्मॉल वाली वैरायटी है जो मेरे पास है, बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लूम कर रहा है इस समय। मेरे पास बहुत सारे सनफ्लावर के प्लांट हैं। इसके बाद देखिए ये है हमारा गैलेडिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है समर का, बिल्कुल आप अपने गार्डन में इसे बीज के माध्यम से लगा सकते हैं। तो देखिए ये भी मेरा बीज से ही प्रोपोगेट हुआ प्लांट है। और साथ ही में नेक्स्ट प्लांट है ये लांटाना, ये भी बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावर प्लांट है। देखिए समर स्टार्ट होते ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपसे अपना ये देखिए क्रिसेंथेमम बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ। मैंने कम्युनिटी टैब पे इसकी पिक लगाई थी तो कई कमेंट आए थे कि ये समर में भी आपके यहाँ ब्लूम कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ बहुत सारी क्रिसेंथेमम ब्लूम कर रहे हैं, सिर्फ यही वेराइटी नहीं बहुत सारी वेराइटी में इस समय फ्लार आए हुए हैं। साथ ही में यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा डेलिया भी है और हमारी पैंसी भी अभी बहुत ही खूबसूरती से देखिए लॉट्स ऑफ ब्लूमिंग है पैंसी में भी। साथ ही में यहाँ पे कुछ हमारी मैरीगोल्ड्स भी ब्लूम कर रहे हैं, ये भी हमारी समर वैरायटी है। और समर में बिल्कुल आप ये सन रोज़ के प्लांट को भी लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली प्रोपोगेट होने वाला प्लांट है, इसमें आ रहे हैं बहुत ही नंबर्स में। और नेक्स्ट लिस्ट में जो नाम है वो है हमारा गोरी चोरी का, तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लूम करता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। साथ ही में आपको मेरा ये टैकोमा दिख रहा है, टैकोमा की वाइन है और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये भी आपके गार्डन को बनाएगी। तो जो लिस्ट में नंबर आता है वो है देखिए मेरे गार्डन में हिबिस्कस का और बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लूम कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इस समय इसमें ओपन हो रहे हैं, पूरी समर भर ये आपको फ्लावरिंग देते हैं। तो जितनी भी वैरायटी है हमारे हिबिस्कस की वो सारे ही इस समय ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए ये स्मॉल वाली वैरायटी है और ये ऑरेंज वाली, तो हिबिस्कस भी आप समर में कोई भी वैरायटी हो ले सकते हैं। इसके बाद जो लिस्ट में नंबर आता है वो है ये बटर कप बुश का और बटर कप बुश भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इसमें भी ढेरों फ्लावर्स खिलते हैं और बिल्कुल समर स्टार्ट होते ही ये बिल्कुल फ्लावरिंग पे आ जाता है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा येलो कलर का ये फ्लावर भी खिला हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, तो बिल्कुल हिबिस्कस को आप अपने गार्डन में जगह दीजिए। और समर प्लांट में फ्रेंड्स मेरे पास है ये देखिए हमारा कंडेल का जिसे कहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। इसके मेरे पास दो कलर हैं, एक ये येलो वाला है और एक वाइट में है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाइट वाला है, बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें ब्लूम होते हैं। इसके बाद समर प्लांट में देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, तो बहुत ही खूबसूरत ये भी, इसका भी फ्लावर होता है, पूरे बेल होते हैं इसके और बिल्कुल कई सारे फ्लावर्स एक साथ ब्लूम करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये हमारा देसी वाला हिबिस्कस है, इसी के साथ लिस्ट में जो नंबर आता है वो है ये चिली वाले हिबिस्कस का। इसके बाद फ्रेंड्स लिस्ट में आता है ये मेरे पास है गार्डेनिया गंधराज, जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग स्मेल भी देता है। फ्रेंड्स आप अल्मांडा भी लगा सकते हैं, देखिए अल्मांडा की वाइन वाली ये वैरायटी है और इसमें बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग होने लगी है, इसमें वाइन वैरायटी एंड बुश वैरायटी दोनों आती है। साथ ही में ये देखिए ये हमारे ब्लीडिंग हार्ट की पिंक वाली वैरायटी है जो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है। इसके साथ फ्रेंड्स आप ये कामिनी का भी प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग इसकी भी अरोमा होती है और बहुत ही खूबसूरती से ये भी फ्लावरिंग करता है।
इसके साथ फ्रेंड्स जो भी आपने सीडलिंग की है, हमारी टिटूनिया, बालसम, जीनिया और सनफ्लावर, सनफ्लावर बेग वैरायटी, ये सारे भी प्लांट्स अगर आपने बीज से लगाए हैं तो ये भी समर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। प्लूमेरिया हमारा बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग करता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए मेरी कुछ सीडलिंग्स रेडी हैं, टिटूनिया की, सनफ्लावर की और हमारे जीनिया की। तो बिल्कुल देखिए बहुत बड़े हो गए हैं, ये बिग प्लांट हो गए हैं और कुछ दिन में ये फ्लावरिंग भी देने लगेंगे, इसमें फ्लावर बर्ड्स भी बिल्कुल बनने लगे हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल इसी में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी सीडलिंग को ट्रांसफ़र करें, तो चलिए वो वीडियो भी इसी में मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि अपनी आपकी जो सीडलिंग रेडी है उसे हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी सारी सीडलिंग्स हैं जो काफ़ी अच्छे से बिग प्लांट हो चुके हैं इस समय, और मैंने आप लोगों को बिल्कुल अपडेट नहीं दिया था अपनी सीडलिंग का जब मैंने आप लोगों को सीडलिंग करते हुए दिखाया है। तो आज मैं आपको पूरे अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ जो काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए हैं, बाकी मेरे जो टेरेस गार्डन है उस पे हैं और वो थोड़े स्मॉल स्मॉल हैं। ये मैंने पहले सीडलिंग की थी तो ये सारे अच्छे से रेडी हो गए हैं, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल अपनी सीडलिंग ट्रेसिंग लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया था, और कुछ यहाँ पे मैंने अपने सारे बल्ब जो विंटर प्लांट्स के हैं उसको प्रिजर्व करके रखा है। कुछ सीडलिंग अभी भी मेरे सीडलिंग ट्रे में ही है जो बाद में ग्रोथ की थी। बहुत सारे प्लांट्स मैंने इसमें से लगा दिए हैं और अभी भी कुछ प्लांट्स बाकी हैं लगाना, तो ये बाद में बहुत छोटे छोटे थे तो उनको मैंने छोड़ दिया था। अब ये भी अच्छे से ग्रो हो गए हैं तो उनको भी मैं ट्रांसफ़र करूँगी छोटे छोटे से पॉट में। और यहाँ पे भी ये सारे मेरे देखिए गैलेडिया के हैं और कुछ ये सारे प्लांट्स हैं, और टोमेटो प्लांट की जो सीडलिंग है देखिए मैंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की है, और ये देखिए कितने अच्छे से बिग हो गए हैं। तो इसे मैं अपने फार्म हाउस में लगाऊंगी इसलिए मैंने अभी ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ है। और ये हमारे तरबूज के हैं और लौकी वगैरह वो सब मैंने अपने टेरेस गार्डन पे लगा दिया है। तो चलिए मैं आपको अपने प्लांट्स को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से रूट डेवलप हो गया है उसका। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल अपनी सीडलिंग ट्रे से ट्रांसफ़र किया था इतने छोटे छोटे पॉट में, और अब मैं इसे बिग पॉट प्रोवाइड कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अपना सॉयल मीडिया लगा दिया है, दो तीन प्लांट मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें रूट्स जो हैं वो कितने अच्छे से ट्रांसफ़र हो डेवलप हो गए हैं। और आपको अगर इस तरीके से आपने ट्रांसफ़र कर लिया है, आपको इसे बिग प्लांट में लगाना है, तो बिल्कुल आप इस तरीके से इसे प्रिजर्व करते हुए थोड़ा सा टैप करिए, और देखिए ये देखिए अब इसमें रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो गए हैं। ये नीचे टिकरी मैंने रखी हुई थी, देखिए कितने अच्छे से सारे रूट्स डेवलप हो चुके हैं, और ये प्लांट मेरा बहुत ही अच्छे से रेडी भी हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से रूट डेवलप हैं, ये देखिए नीचे से। और हमें अब इन रूट बॉल्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ हम इसको इस तरीके से रख देंगे, ऊपर से थोड़ा सा गीला कर देंगे बस। बहुत ही अच्छे से रूट्स हमारे सारे प्लांट्स में रेडी हो गया है, और अगेन अब हम इसको फिलअप कर देंगे सॉइल से। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा समर गार्डन भी रेडी हो गया है लगभग, और आप सबका भी रेडी हो गया होगा। और बहुत सारे प्लांट्स हम लोगों को जो लेने थे नर्सरी वगैरह से, तो वो सब तो हम नहीं ला सकते क्योंकि लॉकडाउन है, तो जो हमने सीडलिंग की है उन्हीं को हम अच्छे से तैयार करेंगे, उन्हीं का ख्याल रखेंगे। तो देखिए हमारा प्लांट बिल्कुल लग के रेडी है, और इसी तरीके से मैं अपने सारे जो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं उनको बिल्कुल ट्रांसफ़र करने वाली हूँ बिग पॉट में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे अपने गार्डन में और अपने समर गार्डन की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास समर के जो बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं पूरे समर, और बिल्कुल अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसे लगा सकते हैं। और साथ ही में नोपची के जो प्लांट होते हैं ना वो भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारी कटिंग्स मैंने भी लगाई हुई हैं। तो बिल्कुल आप भी अपने समर गार्डन को रेडी करिए और इन्जॉय करिए अपने समर गार्डन के फ्लावर्स। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।